हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है अश्विन नारायण बजोरिया एचयूएफ वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 103 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 25 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सूरत आईटीआईटी की एसएमसी बेंच ने डिसाइड किया। ये केस सेक्शन 147 की असेसमेंट को लेकर के है और सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी को लेकर के है। ये केस असेसमेंट ईयर 12-13 से रिलेट करता है। केस काफी इंटरेस्टिंग है और इस केस से एक ये सीख ये मिलती है कि यदि हमें सेक्शन 148 का नोटिस आता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के लिए और हमको ऐसा लगता है कि हमने कोई इनकम पहले नहीं दिखाई थी और हम सेक्शन 148 के नोटिस की अवज में जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उस रिटर्न के अंदर वो हम अपनी इनकम दिखा देते हैं, तो ऐसी संभावना बन जाती है कि वो इनकम दिखाने से एटलीस्ट हम पेनल्टी से बच सकते हैं। ऐसा भी इस केस में हुआ। इस केस के अंदर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया और ये कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन विंग से इंफॉर्मेशन है कि आपने पेनी स्टॉक के अंदर डील किया है और आपने गलत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट क्लेम किया है। एसएससी को जब सेक्शन 148 का नोटिस आया तो एसएससी को ये लगा कि एसएससी इस असेसमेंट से नहीं बच सकता और एसएससी ने जो भी कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट क्लेम किया था उसको सेक्शन 148 की अवज में जो रिटर्न फाइल करी उसके अंदर अपनी इनकम दिखा करके रिटर्न फाइल कर दी। जब एसएससी ने ये इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी तो असेसिंग ऑफिसर ने जो एसएससी ने रिटर्न फाइल करी थी उसको सेम इनकम पर असेस करके असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। जब ये असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया तो उसके बाद लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के अंगेंस्ट सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी का पेनल्टी का नोटिस इशू किया और कंसीलमेंट ऑफ इनकम का एलिगेशन से एसएससी के ऊपर पेनल्टी का ऑर्डर 100% पेनल्टी जो है वो एसएससी के ऊपर लगाई कंसीलमेंट ऑफ इनकम के लिए। असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि डिपार्टमेंट ने एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया तो फिर एसएससी ने ये इनकम दिखाई। यदि एसएससी को ये नोटिस इशू नहीं किया जाता तो ये इनकम असेस होने से रह जाती और एसएससी कभी भी इस इनकम को डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज नहीं करता। इस वजह से एसएससी के ऊपर जो कंसीलमेंट ऑफ इनकम का चार्ज है वो बनता है और उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए और असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी का ऑर्डर पास किया। एसएससी इस पेनल्टी के ऑर्डर के अंगे सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने पेनल्टी ऑर्डर कंफर्म किया, इसलिए एसएससी जो है वो आईटीआईटी के पास गया। आईटीआईटी ने यह कहा कि जब सेक्शन 148 की रिटर्न फाइल की जाती है 148 के नोटिस की अवज में रिटर्न फाइल की जाती है तो वो रिटर्न जो है वो पुरानी रिटर्न को रिप्लेस कर देती है। इसलिए एसएससी यदि अपनी रिटर्न के अंदर इनकम दिखा देता है और उस रिटर्न इनकम को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि एसएससी ने अपनी इनकम को कंसील किया है और एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए। तो यदि एसएससी ने सेक्शन 148 के नोटिस के बाद भी अपनी कुछ इनकम दिखा दी है जो कि डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर ली है तो उस इनकम को यह नहीं कहा जा सकता कि एसएससी ने अपनी इनकम को कंसील किया है, अपनी इनकम को छुपाया है और एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी लगाना जायज नहीं है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जनरली ऐसा हो जाता है कि एसएससी ने कोई इनकम एग्जेम्प्ट क्लेम की होती है या कोई इनकम अपनी रिटर्न में नहीं दिखाई होती और जब एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस आता है तभी एसएससी को ये महसूस होता है कि एसएससी को अपनी ये इनकम दिखानी चाहिए और एसएससी उस असेसमेंट से नहीं बच सकता। तो ऐसे केस के अंदर ये बेहतर है एसएससी के लिए कि वो रिटर्न फाइल करते वक्त सेक्शन 148 के नोटिस के अवज में इस चीज को ध्यान रखे और उसको अपने इनकम में दिखा दे ताकि वो पेनल्टी से बच सके। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अश्विन नारायण बजोरिया एचयूएफ
वर्सेज इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 103 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 25 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सूरत आईटीआईटी की एसएमसी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 7 मार्च 2023 को आया।